हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर चिन्मय की एंट्री जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से की गई है। जहां पर जितनी भी अपडेट्स चल रही थी मार्केट के अंदर कि चिन्मय ऐसा होगा वैसा होगा, चिन्मय है तो बिल्कुल ऐसा, लेकिन उसकी एंट्री ही सीरियल के मेकर्स वैसी करा देंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। बिकॉज देखो, सीरियल के मेकर्स अक्सर जो है किसी भी किरदार की एंट्री कराते हैं ना, तो उसके कुछ राज वो छुपा कर रखते हैं, वो असल में है कैसा ये छिपा कर रखते हैं। लेकिन यहां पर चिन्मय किस तरीके का जिद्दी इंसान है, किस तरीके का बिहेवियर उसका है, उसके मन में घर वालों को लेकर क्या है, सारी चीजें सीरियल के मेकर्स ने दो ही एपिसोड में क्लियर कर दी। यानी कि ये बात तो तय है कि सीरियल के मेकर्स के पास चिन्मय को लेकर एक ऐसा बड़ा प्लान है जो कि यहां पर जो है उनके पास मौजूद है, और उन्हें लगता है कि छोटे मोटे ट्विस्ट जो है चिन्मय के किरदार डिजर्व नहीं करता है, उसे कुछ बड़ा देना होगा। ऐसे में दोस्तों यहां आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन को लेकर भी अब काफी सारी चीजें आने लगी है, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। एंड आने वाले एपिसोड के अंदर हमारे लिए क्या कुछ खास है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो यह है कि चिन्मय को लाने के लिए घर वाले खुद एफर्ट्स लगाने वाले हैं, और यहां पर चिन्मय के भाव इतने बड़े हुए हैं कि यशवंत तक का फोन उठाने का टाइम उसे नहीं मिल रहा है। अब यहां पर चिन्मय खुद चाहता है कि वो लोग मुझे इस तरीके से बुलाए ताकि मैं जाकर कुछ करूं बिना, तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो आया नहीं था, आप लोगों ने मुझे बुलाया था। वेल, यहां पर सीरियल के मेकर्स सब चीजों के बीच में ट्विस्ट को सुलझाने के लिए इतने खो जाते हैं कि यहां पर अक्का साहब नहीं, माफ कीजिएगा, सभी के बनाए आमरस के साथ कोका कोला पिलाई जा रही थी यार। मतलब खाने के टाइम पर यार क्या केमिकल रिएक्शन उनके अंदर किया जा रहा है, और आई थिंक यही वो स्पेशल रेसिपी है भोसले परिवार वालों की कि आमरस के साथ कोका कोला पियो और उसके बाद करो भिड़ के लड़ाई झगड़े, जितने हो सके सारे मारो एक दूसरे को, ताने करो चाल और साजिशें, और यहां पर वो लोग कर रहे हैं। वेल, आप लोग ऐसा कुछ ट्राई मत कीजिएगा भाई, पता नहीं क्या ही रिएक्शन होता होगा, गूगल करना आप भी, आपको पता चले तो बताना मुझे। वेल, यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर चिन्मय की एंट्री सीधी बात है हो जाएगी, बिकॉज आप सभी को तो अब इंतजार है यहां पर अगले बुधवार का, यह बात मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि यहां पर माता सीता और श्री राम के रूप में जब ईशान और सभी नजर आएंगे तो माहौल बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही कमाल का होगा, ये बात तो हम सभी को पता है, और हम सभी इंतजार कर रहे हैं उस मोमेंट का, और खासकर वो लोग जो कि यहाँ पर रीवा की शक्ल उस टाइम पर देखना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर रीवा जो है अक्सर सभी और ईशान के बीच में आ जाती है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और जब सभी और ईशान के मूवमेंट दिखाए जाते हैं तो रीवा का चेहरा देखने लायक होता है कहानी में, और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, और वहीं पर रीवा के फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रीवा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो कमेंट में बोलते भी अक्सर कि रजत भाई आप रीवा के बारे में ऐसा मत बोला करो, और रीवा की बुराई क्यों करते हैं लोग, रीवा का गलती क्या है यहां पर। तो यार यहां पर रीवा की गलती तो है देखो बहुत सारी, क्योंकि वो रही ऐसी जगह पर रही है एक ऐसी उम्मीद के सहारे जिसकी पूरी होने की ख्वाहिश कोई भी नहीं करता होगा दुनिया के अंदर। नॉर्मल लोगों के तो ये काम होते नहीं है कि आप संभावनाओं पर जियो और किसी और के घर पर जाकर रुक जाओ अपने माता पिता को छोड़कर, ये तो गलत बात है। वेल, यहां पर चिन्मय की एंट्री आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी, और यहां पर घर पर आने के बाद जो है चिन्मय बड़ा ही शांत आपको नजर आने वाला है, और यहां पर किसी भी तरीके से जो है घर वालों की तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला, खासकर यशवंत और अक्का साहेब की, उनको पलट कर जवाब देने वाला एक शब्द आ चुका है। वेल, यहां पर ऑल ओवर मैं कहूं ना तो चिन्मय की एंट्री के बाद ना मुझे कहानी अब इंटरेस्टिंग नजर आने लगी है, बिकॉज चिन्मय एक ऐसा किरदार इंट्रोड्यूस किया गया है सीरियल के अंदर जो कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखता है। इतना पावरफुल कैरेक्टर है, ईशान के साथ हाथापाई करा था, सही को भी सभी को भी समझा दिया कि लड़की लड़के में भेदभाव नहीं करता हूं, मारने पर आऊंगा तो बढ़िया मारूंगा, और यहां पर आने वाले एपिसोड में जब घर में आएगा तो यही रुतबा अगर अक्का साहेब और यशवंत के सामने रहता है ना, तो यहां पर विलेन की छुट्टी जब विलेन खुद करेगा ना तो नेक्स्ट लेवल माहौल होने वाला है। बिकॉज ये बात तो देखो क्लियर है आपको भी मुझे भी कि यहां पर स्टार्टिंग में किरदार कैसा भी क्यों ना हो, बाद में तो विलेन में तब्दीली इस किरदार को भी होना ही होना है, और लास्ट में जो आज के प्रीकैप में आपने देखा था ना कि सभी जो है सीता माता बन रखी थी, ईशान जो है वो यहां पर श्री राम बन रखे थे, और यहां पर दोनों ही रामनवमी के दिन जो है बहुत अच्छी तरीके से सज धज कर तैयार थे, और बहुत सारे लोग भी यहां पर मौजूद होने वाले होते हैं, लेकिन यहां पर लास्ट में एक परछाई आती है 10 चेहरों वाली, दशानंद वाली, और ये दशानंद कोई और नहीं, खुद यहां पर होने वाला है चिन्मय। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स चिन्मय की एंट्री के बाद जो है रीवा के किरदार को लगाम देने वाले हैं, बिकॉज सीरियल के मेकर्स हमेशा से एक विलन को पकड़ कर चलते हैं, और यहां पर रीवा के किरदार को सीरियल के मेकर्स मुझे लगता है चाहते हैं कि वो बहुत लंबा चले, इसीलिए धीरे धीरे
बीच में अलग अलग विलन वो लेकर आते रहते हैं, अलग अलग कैरेक्टर लेकर आते रहते हैं, ताकि रीवा को नेगेटिव टर्न करने के लिए उन्हें एक अच्छा खासा टाइम मिल जाए। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर चिन्मय के किरदार को कितने नंबर दोगे। मैं तो 10 out of 10 दूंगा भाई, 11 मांगोगे तो 11 दूंगा। आप लोग कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।